हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल न्यू जॉब अपडेट पर। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, हमने हर बार जो भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत अपडेट करने की हम कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में भी एक लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करो, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको जॉब अपडेट के साथ साथ एडमिट कार्ड अपडेट और रिजल्ट अपडेट के बारे में और एग्ज़ाम अपडेट के बारे में अपडेट किया जाता है। आज की वीडियो में बात करेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से लेटेस्ट अपडेट क्या है। PPMET हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद एक नया अपडेट आया है, उसी अपडेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो ले चलता हूँ सीधा ऑफिशियल वेबसाइट BFUHS.ac.in। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो अपडेट है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्या अपडेट है, ये अपडेट यही है कि PPMET का रिजल्ट आ चुका है, जो BSc नर्सिंग कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम था। उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन चॉइस भर सकते हैं फॉर एडमिशन इन BSc नर्सिंग कोर्स 2022 के लिए। ये अपडेट है, आगे इसको मैं पूरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्या डिटेल में क्या दिया हुआ है, कब से कब तक आप अपडेट कर सकते हो। यानी आपका रिजल्ट आ चुका है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसके बाद आपको लॉगिन करके अपना प्रेफरेंसेस भर सकते हो कॉलेज के किस इंस्टीट्यूट में आप BSc के लिए किस इंस्टीट्यूट में प्रेफरेंस आपकी। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया इंपॉर्टेंट वैकेंट सीट मैट्रिक्स फर्स्ट राउंड BSc नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की यहाँ पे प्रेफरेंसेज है। यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। शेड्यूल ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन रेफरेंसेज ऑफ कॉलेजेज कैटेगरी कोटा फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आपसे ऑनलाइन प्रेफरेंसेज मांगी गई है, ठीक है, ऑफ कॉलेजेस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है, BSc राइट साइड में BSc नर्सिंग फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम 13 जुलाई से। दोस्तों चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और दोस्तों ये 18 जुलाई तक आपको कंप्लीट करनी है अपनी जो भी प्रेफरेंसेज भरनी है, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं कैसे भरनी है, आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, अपनी प्रेफरेंसेज भरने के लिए अपने लॉगिन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड कैप्चा फिल करना है, लॉगिन कर देना है, फिर अपनी प्रेफरेंसेज भर लेना है। उसके बाद मैं आपको बैक यहीं पर ले चलता हूँ। अब बात करेंगे हम कि आपको, एक सेकंड दोस्तों भाई, आप प्रेफरेंसेस भरने के बाद आपकी जो अलॉटमेंट कब का मेरिट लिस्ट के बारे में क्या है, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको पता है ऑल PPMET क्वालिफाइड कैंडिडेट विल सबमिट ऑनलाइन प्रेफरेंसेज। 13 से 18 जुलाई तक मैंने आपको बता दिया जो अलॉटमेंट ऑफ सीट रहेगा एज पर मेरिट कम प्रेफरेंसेज गिवन बाय द कैंडिडेट की रहेगी। जो अलॉटमेंट ऑफ सीट रहेगा दोस्तों मेरिट के बेस पे रहेगा, कम प्रेफरेंसेस के बेस पे रहेगा जो कैंडिडेट रहेंगे। ये 22 जुलाई तक आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी ऑफ सीट्स एज पर मेरिट कम प्रेफरेंसेज कैंडिडेट। और 29 जुलाई तक क्या होगा, कैंडिडेट हु होम सीट विल बी एलोकेटेड, जिसके कैंडिडेट को सीट एलोकेटेड कर दी जाएगी, उनको अपने रिस्पेक्टिव जो भी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है उनको रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एलिजिबिलिटी मेडिकल चेकअप एंड विल डिपॉजिट फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे IVR यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो वहाँ पे 29 जुलाई तक उनको, जिनको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी 29 जुलाई को, उनको अपना कॉलेज में जाना है, रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट करना है जॉइनिंग के लिए, चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, मेडिकल चेकअप एंड विल डिपॉजिट फी ऑनलाइन पे करनी है। उसके बाद 1 अगस्त को क्लासेज विल कम आउट इन रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, 1 अगस्त से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और कॉलेज विल सबमिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु विल नॉट, और 1 अगस्त को ही कॉलेज सबमिट करेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु विल नॉट रिपोर्ट, जिनको जिनको सीट अलॉटमेंट हुई है उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया या इनएलिजिबल कैंडिडेट की, वो लिस्ट सबमिट करेगा हु विल सरेंडर सीट आफ्टर द ज्वाइनिंग, जो उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, रिपोर्ट नहीं किया है, साथ में इनएलिजिबल है, थर्ड वो अपनी सीट को सरेंडर कर दिया है, सरेंडर करेंगे उनकी लिस्ट 1 अगस्त तक। तो यही अपडेट था आज की। आपको करना क्या है, आप अपना लॉगिन कर लीजिए, वहाँ से अपना चॉइस फिल कर लीजिए
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और चैनल पहली बार आने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बाबा फिल्म इंडस्ट्री का हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।